सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जब से हमने कंप्यूटर्स को यूज करना स्टार्ट किया है, हमने कुछ और याद किया हो या ना किया हो दोस्तों, यहाँ पे हमने जरूर याद किया है वो QWERTY वाले कीबोर्ड के लेआउट को। लेकिन यहाँ पे दोस्तों भी अपने कीबोर्ड से बहुत तरह तरह के यूज किए हुए हैं, फिर चाहे वो रोलिंग हो, फ्लेक्सिबल हो, फोल्डिंग हो, वायर्ड हो, वायरलेस हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे बात करने वाला हूँ लेजर कीबोर्ड्स के बारे में। दोस्तों जानेंगे कि आखिर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनके पीछे की पूरी साइंस क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने शायद पहले यूज किया होगा, ट्राई किया होगा, देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा लेजर कीबोर्ड्स के बारे में। या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि आज शायद आप इस चीज के बारे में पहली बार सुन रहे हो और आपको शायद आश्चर्य हो रहा हो कि ऐसा भी कोई कीबोर्ड मिलता है मार्केट में। दोस्तों यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बड़ी ही कमाल की है। मतलब एटलीस्ट देखने में दोस्तों ठीक है ना, सिंपल कीबोर्ड अपने को समझ में आता है कि यार तार जुड़ा हुआ है या फिर ब्लूटूथ से है या फिर मान लो फोल्डिंग है तो क्या हो गया, ठीक है बना हुआ थोड़ा सा सिलिकॉन मटेरियल का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जब मैं आपसे बात करता हूँ लेजर कीबोर्ड्स की, तो भाई वो एक ऐसा कीबोर्ड है जो बहुत ही छोटा सा है। वो एक फ्लैट सर्फेस पे दोस्तों जो कीबोर्ड है वो कंप्यूटर्स का लेआउट जो प्रोजेक्ट कर रहा है एक लेजर से। आप दोस्तों वहां पे टाइप कर रहे हो सरफेस पे, आपकी टेबल पे, आपकी दोस्तों किसी और डेस्क पे, और जो आपका इनपुट है दोस्तों वो बड़े आराम से पहुंच रहा है कंप्यूटर। तो ये सोच के लगता है कि यार इसके पीछे की साइंस क्या है, मतलब कैसे इसको मालूम कि मैं कहां पे अपनी उंगलियां घुमा रहा हूं दोस्तों, कैसे इसको डिटेक्ट कर पा रहा है। तो ये देखने में थोड़ा मुश्किल भी लगता है, लेकिन दोस्तों यहां पे इसकी जो साइंस है वो इतनी मुश्किल नहीं है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिर एक लेजर कीबोर्ड जो है वो काम कैसे करता है। अब देखो बिहाइंड द सीन्स दोस्तों चीजें होती हैं, उसके बारे में बात करके फायदा नहीं है। वो जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है ब्लूटूथ से, फिर आपके कंप्यूटर तक सिग्नल पहुंच जाएगा, वो पता लगा लेगा कि क्या कमांड है, मतलब वो तो अलग बात है। अभी दोस्तों हमको सिर्फ इतना जानना है कि आखिर जो लेजर कीबोर्ड है वो कैसे प्रोजेक्ट कर पाता है उस कीबोर्ड को सर्फेस पे, और जब आप कुछ टाइप करते हैं उसको कैसे मालूम चलता है कि आपने वहां पर क्या टाइप किया है। दूसरी कि यहां पर सबसे ऊपर एक लगा होता है रेड लेजर। ये लेजर वही है जो आपने दोस्तों कभी पहले की दुकान से मेले से दोस्तों खरीदा होगा 20-25 रुपए का, जिसके चलते आप कुछ भी जो है दोस्तों लाल लाल रंग के जो है वो पॉइंटर्स घुमाते थे पूरे अपने घर में, या फिर इसके अलावा दोस्तों आगे जो आते थे वो चेंजिंग कैप्स, जिसके चलते आप अलग अलग शेप्स को दोस्तों प्रोजेक्ट करते थे दीवारों पे, चाहे वो सांप हो चाहे वो बिच्छू। तो यहां दोस्तों इसमें आगे लगा होता है एक डिफ्रेक्टिव ऑप्टिकल एलिमेंट, जहां पे दोस्तों एकदम बारीक बारीक जो है वो छोटा दोस्तों लेआउट होता है पूरे कीबोर्ड का। तो जब पीछे दोस्तों आती है लेजर लाइट तो उसके बाद में वो एक्सपैंड होकर सर्फेस के ऊपर बड़े ही आराम से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। अब यहां दोस्तों खास बात यह है कि आपको चाहिए होती है एक ओपेक फ्लैट सर्फेस, तभी यह कीबोर्ड जो है ठीक से काम करेगा। दोस्तों यह हो गया पहला आइटम आपके सामने जो है वो आ गया कीबोर्ड का लेआउट। उसके बाद दोस्तों उसी जो कीबोर्ड की बॉडी है उसमें दोस्तों नीचे की तरफ से लगा होता है एक इंफ्रारेड लाइट एमिटर, जो दोस्तों सरफेस के कुछ ही मिलीमीटर ऊपर एक थिन प्लेन दोस्तों जो है वो जनरेट करता है इंफ्रारेड लाइट का, जो कि आप नहीं देख पाते हैं लेकिन वो वहां पे होता है। अब यहां पे दोस्तों होता क्या है कि जब भी आप टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल दोस्तों आपको टाइप करना है टी, अब जैसे ही आपकी उंगली या अंगूठा दोस्तों कुछ भी जब जाएगा वो टी के पास में, तो उस टाइम पे दोस्तों होगा क्या कि जो लाइट सामने से आ रही है वो आपके उंगली से टकराएगी और वो दोस्तों वापस जाएगी उस कीबोर्ड की तरफ। तो वहां दोस्तों लगा होता है एक सीमॉस बेस्ड सेंसर, जो बेसिकली ये पता लगाता है कि आपने उस पूरे कीबोर्ड में से किस जगह पे अपनी उंगली को पहुंचाया है और वहां पे दोस्तों लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर कहां से आ रही है। तो ये दोस्तों अगर काम ठीक तरीके से कर लिया जाए, मैपिंग अगर एकदम अच्छी हो जाए, तो उसको मालूम चल जाएगा कि आपने टी दबाया है कि जी दबाया है कि 1 2 3 4 आपने क्या दबाया है। अब यहां पे दोस्तों खास बात ये है कि ये एक बार में एक नहीं मल्टीपल कीस्ट्रोक्स को डिटेक्ट कर लेता है। तभी दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं विंडोज में आपको दबाना है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, तो आप दोस्तों बटन जो है वो एक साथ एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दबा पाते हैं। लेकिन यहां दोस्तों आती है प्रॉब्लम निकल के लेजर कीबोर्ड्स की। पहली बात तो ये कि ये इतने एक्यूरेट नहीं है। ऑब्वियसली दोस्तों वहां पे थोड़ी बहुत अगर गलती है तो हो सकता है सिस्टम को लगे कि भैया आपने ये दबाया है या दूसरा बटन दबाया है, तो वहां पे दोस्तों एक्यूरेसी जो है वो थोड़ा सा एक बार प्रॉब्लम खा जाती है। दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पे दोस्तों की फीडबैक नहीं मिलता है। हाँ साउंड मिल जाती है टैटे टैटे दोस्तों जब आप बटन दबाते हैं, लेकिन ऐसे में आप बस एक टेबल के ऊपर जो है दोस्तों अपनी उंगलियां ठोक रहे होते हैं, तो आपको सामने से कोई फीडबैक नहीं मिलता जैसे कि आपने कोई बटन दबाया हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो लिमिट होती है कि वो कितने कैरेक्टर्स ले सकता है एक मिनट में या फिर एक सेकंड में, वो भी दोस्तों फिक्स होती है। तो ऐसे में जो ऐसे लोग हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही तेज है, तो वो दोस्तों अगर लेजर कीबोर्ड्स काम में लेंगे तो उनको लगता है कि यार वो टाइप तो करते जा रहे लेकिन जो सिस्टम है वो दोस्तों उनकी जो स्पीड है उसको मैच नहीं कर पा रहा है। तो कुछ प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन दोस्तों काफी कूल एक डिवाइस है। अगर आपको कहीं दिखावे के लिए, अगर शो ऑफ करना है, अगर आपको दोस्तों उस फ्यूचरिस्टिक तरीके से दिखना है अपने कि सिस्टम में देखो मैंने लगा दिया ये कीबोर्ड और मैं बड़े आराम से काम ले रहा हूं, तो आप काम ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको दिन भर टाइपिंग का काम रहता है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूं लेजर कीबोर्ड। लेकिन दोस्तों एटलीस्ट आपको मालूम चल गया है कि जो चीजें वो कैसे काम करती हैं। यहां पे लेजर एमिटर है, इंफ्रारेड दोस्तों जो रेज है वो निकाली जाती है नीचे की तरफ से, और उसके अलावा लगा होता है सीमॉस सेंसर जिसके पीछे होती है पूरी प्रोसेसिंग, जब ये मालूम चल जाता है कि आप दोस्तों कहां कौन से की के ऊपर अपनी उंगली लेके घुमा रहे हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सलाह सुझाव तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक बटन शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।